एक दफा का जिक्र है, एक लड़का होता है 7 साल का। उस लड़के के नाम होते हैं मंसूर। ऐसा होता है कि वो मंसूर जो है एक छोटे से कस्बे में रहता होता है। उस कस्बे का नाम होता है अलीपुर। अलीपुर जो है ये एक कस्बा है। जब हम लोग मैख्तर से आए ना लाहौर, तो रास्ते में अलीपुर भी आता है ना। अब अलीपुर का जो होता है वो लड़का मंसूर, उसको एक बड़े अजीब सी आदत होती है। उसको आदत ही होती है कि वो चूँकि छोटे से कस्बे में रहता होता है, वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो उस इलाके की रवायात के ऊपर बस अमल करते रहते हैं। तो वो ये करता है कि हर बात पे वो देखता है बड़ों को ये कहते हुए कि अगर मेरे घर बेटा हुआ तो मैं उसके कान में बाली पहनाऊँगा। उनके घर अगर बेटा हो तो वो पहनाते हैं बाली, के जी ये हमने मन्नत की बाली पहनाई है, तो ये है तो वो है। और अक्सर लोग उसको वो देखते हैं कि अपने आप को मुसीबत में डाल रहे होते हैं, अगर ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगा। तो वो क्या करता है, वो अक्सर कहता है कि आज अगर मेरी अम्मी ने मुझे मीठी रोटी खिलाई तो मैं अगर नाश्ते में, तो मैं स्कूल जो है वो पैदल अपने पैरों पे जाऊँगा, नंगे पैर। तो अक्सर वो नंगे पैर जाता होता है। जब वो स्कूल जाता है उसके पाँव भी गंदे होते हैं, जो उसने यूनिफॉर्म पहनी होती है वो भी गंदी हो चुकी होती है। उसके अलावा उसके पाँव इतने मैले कुचैले, कभी कीचड़ लगा हुआ होता है, कभी कोई और गलाजत लगी होती है, उससे पाँव से बदबू आ जाती है। टीचर भी उसको बहुत डांटते हैं और उसको समझाते हैं ऐसे मत किया करो, ऐसे मत किया करो। लेकिन मंसूर बहुत ज़्यादा अक्लमंद होता है। वो इतना ज़्यादा अक्लमंद होता है कि जब तक कोई उसको सही तरीके से बात लॉजिक से नहीं समझाए, उसको समझ नहीं आती। वो कहते हैं मैंने बिला वजह किसी की बात नहीं मानी। अच्छा, फिर क्या होता है कि एक दफ़ा जो है वो इस तरह से करता है कि उसकी ना खाला आती हैं शहर सिब्बी से, तो वो बड़ा खुश होता है। उसकी अपनी खाला बहुत पसंद होती है। उसकी खाला उसको बड़ी मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाया करती होती है, बड़े मज़े मज़े के खाने बना के देती होती है ना। तो वो कहता है एक दिन सुबह सो के उठता है तो उसकी खाला ने उसके लिए हलवा पूरी बनाई होती है। वो कहता है अरे रे अरे, ये तो बड़े ही मज़े की बात है, हलवा पूरी बनी हुई, अरे रे अरे, ये तो मज़े ही मज़े। अब वो क्या करता है, वो कहता है खाना, वो खाता है हलवा पूरी, उसके बाद वो जो है अपने जूते उतारता है और सर्दियों के दिन होते हैं अपनी स्वेटर उतारता है। तो वो उसकी खाला कहती है अरे तो ये क्या कर रहे हो। कहता है ये मैं उतार के स्कूल जा रहा हूँ ना। तो उसकी खाला कहती है अरे अरे अरे, ये तो सर्दियों के दिन है, अब सर्दियों में तुम अलीपुर में स्वेटर उतार के जूते उतार के जाओगे स्कूल अपने, तो तुम्हें तो सर्दी लग जाएगी, ये कोई सिब्बी थोड़ी है। वो कहता है नहीं 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 आप बात समझी ही नहीं। हुआ ये कि जब सुबह मैं सो के उठा तो मेरा मुंह थोड़ा कड़वा कड़वा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर आज मेरे को किसी ने मुझे नाश्ते में कोई मज़े की चीज़ खिला दी ना, तो मैं नंगे पैर स्वेटर उतार के अपने स्कूल जाऊंगा। तो उसकी खाला ने कहा लेकिन उससे किसी को क्या फ़ायदा। कहते नहीं बस मैंने यही सोचा कि मैं यही करूंगा, मैं अपने आप को तकलीफ़ में डालूंगा ताकि मुझे जो है वो खुशी हो कि मैंने ये काम किया। तो खाला ने कहा नहीं, तुम्हारा जो जिस्म है उसकी भी तुम्हारे ऊपर हक है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसको साफ़ सुथरा रखो, ठीक है। जिस तरह नाखून तराशो, अगर तुम्हारे बाल लंबे हुए हैं जाके तो वो बाल काटो, ठीक है। उसके अलावा तुम नहाए धोए हुए हो और तुम सर्दियों में अपने जिस्म को गर्म और गर्मियों में ऐसे खुले खुले कपड़े पहनो कि तुम्हें गर्मी कम लगे, ताकि जिस्म में जान दाने ना बन जाए। अब वो कहते अरे नहीं 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 ऐसे तो मैं कर नहीं सकता, ऐसे तो मैं कर नहीं सकता, मुझे तो ऐसे पसंद नहीं है। तो फिर उसकी खाला ने कहा देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बड़े जो बात कहते हैं वो बात सही होती है। कहते एक तो आप बड़ी और कौन बड़ा। तो उसकी खाला ने कहा आओ मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम अभी स्वेटर पहन के जाओ मेरे कहने पे और जूते और सॉक्स पहन के जाना, जो क्योंकि तुम अब लेट हो रहे हो। जब तुम घर वापस आओगे तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, अगर तुम्हें वो बात पसंद आएगी तुम अमल कर लेना, ना पसंद आई तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूंगी। कहते हैं चले मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, आपने मुझे इतने मज़े की हलवा पूरी जो खिलाई है। अब वो क्या करता है, चला जाता है स्कूल। जब वापस आता है तो स्वेटर पहने होते हैं, जूते पहने होते हैं।
अब कहते हैं अब आप मुझे बात बताएं। उसकी खाला कहती है चलो मुँह हाथ धो लो, नमाज पढ़ लो, खाना खा लो, फिर वो ये तीनों काम करके आते हैं। तो उसकी खाला कहती है चलो मैं बताती हूँ तुम्हें ना। तो उसकी खाला बताती है कि मैंने सही बुखारी की हदीस की किताब में पढ़ा है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जा रहे थे, एक जगह से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बंदा जो है वो पैदल चल रहा है और उसको दोनों जानिब से उसके बूढ़े उसके भाई बेटों ने पकड़ा हुआ सहारा दिया हुआ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दरियाफ़्त किया कि क्या इनके पास कोई सवारी नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं सवारी तो है, लेकिन इसने कहा है कि मैं पैदल जाके खाना काबा का तवाफ़ करूँगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अपने आप को भाई बिला वजह में मुशक्क़त में डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बेहतर यह है कि जब अल्लाह ने तुम्हें सवारी दी है तो तुम सवारी पर जाओ। तो इससे हमें बेटा ये पता चला कि अगर आपके पास कोई फैसिलिटी होती है तो उस फैसिलिटी को अपने लिए इस्तेमाल करना अच्छी बात होती है और अपने जिस्म को बिला वजह तकलीफ़ में नहीं डालते। आप नंगे पाँव जाते हो, आपके पाँव गंदे हो जाते हैं, कीचड़ लग जाता है और गलाजत लग जाती है और आपके पाँव देखने में भी बहुत ही बुरे लगते हैं। उसके अलावा आपको कभी कांटा चुभ जाता है, कभी ज़ख़म बन जाता है, कभी आपको सर्दी लग जाती है उसकी वजह से, तो बिलावज अपने आप को मुशक्क़त में नहीं डालते। तो वो बच्चा कहते हैं अब तो मुझे ये बात समझ आ गई है और मैं इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो दो नफल पढ़ता है, लम्या से सॉरी करता है और उसके बाद से वो अपना ख्याल रखना शुरू हो जाता है। और ऐसे जनाब अली कहानी ख़त्म।